नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में धनबाद जिला जेडीयू ने जिला के 3 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। इसमें धनबाद, झरिया और टुंडी विधानसभा शामिल है। जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने आज धनबाद परिसदन में आयोजित पार्टी की बैठक में कहा कि जिला कार्य समिति, प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष समेत प्रदेश के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। जिला कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि धनबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। जनता दल के जो जिले के सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सभी का एक बैठक आज हम लोग यहाँ पर किए हैं प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर। इस बैठक में हम लोग 2 प्रस्ताव पारित किए हैं कि धनबाद जिला से 3 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किए हैं NDA गठबंधन के तहत। एक हो गया टुंडी विधानसभा, दूसरा हुआ झड़िया, तीसरा हुआ धनबाद। पार्टी के सम्मान नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और झारखंड के अध्यक्ष सांसद श्री खीरू महतो जी का निर्देश है कि एक प्रस्ताव करके लाइए कि आप लोग किस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। तो हम लोग 3 क्षेत्र से प्रस्ताव पारित किए कि हम लोग चुनाव जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। जनता दल के जो जिले के धनबाद जिला के पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आलोक में प्रखंड सभागार में डालसा की तरफ से जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला न्यायाधीश सुरेश ओराव, वकील शैलेन्द्र झा, पूर्वी टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह और पूर्वी टुंडी के SI अभिमन्यु कुमार और प्रखंड के कर्मी शामिल रहे। आज DLSA धनबाद के तत्वाधान में विधिक सेवा लीगल इम्पावरमेंट कैंप का आयोजन पूर्वी टुंडी प्रखंड के सभागार में आयोजन किया गया है। और इस DLSA के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रखंड में यह कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देना और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताना। झरिया में मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले कामरेड EK राय के स्मरण दिवस के अवसर पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन आपको बता दें कि कामरेड EK राय स्मृति भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। देखिए, हमारे धनबाद के एक प्रखर आंदोलनकारी कहिए, गरीबों के मसीहा कहिए, हमारे बड़े भाई AK राय जी, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, जिसमें आज उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे आज सबूरदा ने जो ब्लड डोनेट का काम किए हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट का काम भी एक, जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड रक्तदान एक जीवन दान होता है, तो इससे अच्छा श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए और कुछ नहीं होगी। बस हम तो धनबाद की जनता से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से AK राय दादा हम लोगों को जो रास्ता दिखाए हैं, जिस तरह से यहाँ गरीबों के शोषण होते थे, गरीबों का हक का अधिकार का दहन होता था, और जिस तरह उन्होंने उनकी हक की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तो मैं जनता से भी यही आग्रह करूंगी कि हमारे AK राय दादा का ही बताए हुए रास्ते पर हम लोग सभी चले और आगे बढ़े और हमारे झारखंड को एक सुख समृद्धि स्वस्थ झारखंड बनाए, जो दादा का सपना था। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दिए, और इससे पुण्यतिथि के अवसर पर अहम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग मैंने ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और इसमें 3-3 संस्था, रेड क्रॉस है, शहीद निर्मल महतो अस्पताल PMSH का है, सेंट्रल हॉस्पिटल का टीम है, सारे टीमों ने बड़ा अच्छा से इस समाज सेवा के इसमें आगे बढ़े हैं।